हेलो बच्चा पार्टी। तो इस क्लास में हम लोग फाइल टाइप को फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो फाइल टाइप में अभी तक हमने बताया था, फाइल टाइप में आप लोग को बता दिया था, यहाँ पे न्यू ओपन गेट एट इंसर्ट इन्फो सेव सेव एज, इतना सारा ऑप्शन हो चुका है। अब प्रिंट पे क्लिक करते हैं, यानी प्रिंट वाला ऑप्शन आपको समझाते हैं। हालांकि प्रिंट के लिए आपको प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन नॉर्मल वे में मैं प्रिंटर अभी बता देता हूँ, ठीक है। प्रिंटर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुल के आता है। अब यहाँ पे जैसे ही आप प्रिंट पे मारोगे तो प्रिंट निकल जाएगा, बट यहाँ पे प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपके पास प्रिंटर होगा ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और एड प्रिंटर करोगे तो कोई अदर प्रिंटर को कनेक्ट किए हो तो उसका ड्राइवर वगैरह अगर आप इंस्टॉल करके रखे हो तो प्रिंटर ऑटोमेटिक, देखो कोई भी प्रिंटर, कोई भी हार्डवेयर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो उसका ड्राइवर होता है। वो ड्राइवर को जैसे ही आपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डालोगे उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो प्रिंटर का ड्राइवर ऑटोमेटिक जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे, जैसे कैनन का प्रिंटर हुआ या कोई भी चीज का प्रिंटर है, अगर प्रिंटर को जैसे ही आप डालते हो, मतलब प्रिंटर का ड्राइवर इसके अंदर इंस्टॉल करते हो, तो ऑटोमेटिक वो रिडायरेक्ट कर लेता है और यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा कैनन, ये मतलब उसका मॉडल नंबर आ जाता है, ठीक है। अब नहीं है तो एड प्रिंटर पे क्लिक करके, जैसे एड प्रिंटर पे आप क्लिक करोगे तो कंट्रोल पैनल में लेके जाएगा, ठीक है। और यहाँ से प्रिंटर को ऐड कर सकते हो, स्कैन करवा सकते हो कोई प्रिंटर हो तो, ठीक है, राइट। तो प्रिंटर कहाँ से सेलेक्ट होता है, यहाँ से। अगर आपके कंप्यूटर से दो प्रिंटर कनेक्ट हो तो यहाँ से आपको एक प्रिंटर को जिससे आपको प्रिंट निकालना हो तो उसमें सेलेक्ट करके और प्रिंट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो कॉपी, कितना कॉपी चाहते हो जो आप प्रिंट निकालना चाहते हो, ये जो आपका डॉक्यूमेंट, ये प्रेजेंटेशन का डॉक्यूमेंट है, इसका कितना प्रिंट चाहते हो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे 2 कॉपी चाहिए, 4 कॉपी चाहिए, तो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्रिंट प्रॉपर्टीज, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो प्रिंट के प्रॉपर्टीज खुल के आएंगे। और इसमें जो है इसका कलरिंग वगैरह, ड्राइवर, जो भी चीज़ है, A4 साइज में आपका पेज है या किस में है, A3 में है, या ये आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और आपका जो प्रिंट निकालोगे, पोर्ट्रेट में निकालोगे या लैंडस्केप में निकालोगे, आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो, ठीक है। और जो पावर पॉइंट बनता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो लैंडस्केप में ही होता है, ठीक है। हालांकि उसका चेंज, उसको आप चेंज कर सकते हो। और देखो कलरिंग आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए या कैसा चाहिए। देखो ब्लैक एंड व्हाइट करोगे तो ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, अगर इसको कलर में कर दोगे तो देखो कलरफुल दिखेगा, ठीक है। तो प्रिंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, ब्लैक एंड व्हाइट लेना है या कलरफुल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वन साइडेड, और देखो ये वन साइडेड प्रिंट करेगा या दोनों साइडेड प्रिंट करेगा, बोथ साइड प्रिंट करेगा, ये आपको यहाँ से डिसाइड करना होता है, ठीक है। अब अगला क्या है, यहाँ पे पेज फुल, मतलब जो आपका प्रेजेंटेशन बना हुआ है 6 पेज में बना हुआ है, 6 प्रेजेंटेशन मोड बना हुआ है, इसके 6 स्लाइड बना हुआ है, तो अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे स्लाइड में जाते हो और यहाँ पे दो करते हो तो दो दो 3 ठो स्लाइड बन जाएगा, देखो समझ में आई बात। तो ऐसे भी आप स्लाइड को सेट कर सकते हो, अगर एक में 3 ठो चाहिए तो देखो 3 ठो आ जाएगा, अगर एक में अगर 4 ठो चाहिए, सॉरी यहाँ पे अगर एक में अगर 4 ठो चाहिए तो 4 ठो सेट कर सकते हो, देखो एक पेज में 4 4 आएगा, तो क्लियर हुआ बात। तो हमको लग रहा है कि सही हो गया, आपको समझ में आ चुका होगा। और देखो प्रिंट ऑल करना है या कस्टमाइजेशन करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आप कितना मतलब चाहते हो, ठीक है, पेज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि कस्टमाइज करोगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कौन सा आपको, 2 प्रिंट करना है या 2 से ज्यादा प्रिंट करना है, 2 से लेके 2 और 3 भी करना है, और उसके बाद हमको कर देना है 4, और उसके बाद कर देना है 6, इतना ही सिर्फ हमको प्रिंट चाहिए। तो इतना हम सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, प्रिंट पे अप्लाई कर देंगे। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको गाइडेंस दे दिया है कैसे आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे गाइडेंस दिया रहता है। हालांकि मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, आप इसको सेलेक्ट भी करके कस्टमाइजेशन करके भी आप कर सकते हो। देखो कस्टमाइज करोगे तो 1, 3, जो भी जिसका भी आपको प्रिंट निकालना हो उतना करके बस छोड़ दो। आप प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये प्रिंटिंग में लेके चला जाएगा, ठीक है। बट मैं प्रिंटर जो है इसमें कनेक्ट नहीं किया हूँ तो ये PDF में उठाएगा, ठीक है। तो प्रिंटिंग का मतलब यही होता है, ये ज्यादा करके आप प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर करते हो,
यहाँ पे आपका अकाउंट साइन इन मांगेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो है आपका अकाउंट क्रिएट होता है, जैसे आप यूट्यूब में भी आपका अकाउंट क्रिएट होता है, ठीक है, जो भी चीज़ आप यूज करते हो उसमें आपका अकाउंट क्रिएट होता है ना, तो यहाँ पे भी आपका अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है, और बनाने के बाद वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आप लिंक हो जाते हो, ठीक है। अब एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अब एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, देखो ये पहले ऑप्शन नहीं होता था एक्सपोर्ट का, अब इधर आ चुका है, यानी कि 2021 या 2019 से शायद आ रहा है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है ये मैं बता देता हूँ पहले। जैसे मान के चलो ये तो आपका डॉक्यूमेंट, सॉरी ये प्रेजेंटेशन है, और ये इसका जो एक्सटेंशन है .pptx है, ठीक है, यानी इसका एक्सटेंशन क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सैक्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है, PPTX, ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे अगर मान के चलो आप जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो एक्सपोर्ट होगा ये PDF में, XPS में, ठीक है, डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे अगर मान के चलो जैसे आप क्रिएट यानी एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हो, देखो एक्सपोर्ट पे हमने क्लिक किया तो किसमें इसका एक्सटेंशन क्या लिया, .PDF, और ये PDF आपके फोन में भी खुल जाता है, किसी भी फोन में खुल जाता है, ठीक है, जो आपका एंड्रॉयड वाला फोन होता है उसमें खुल जाता है। लेकिन PPTX, जैसे एक मिनट, PPTX जो होता है ना, PPTX ये आपका फोन में नहीं खुलता, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अपने फोन में इंस्टॉल करना होता है, ठीक है, तो जाके ऐप प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हो, ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आप एंड्रॉइड में अगर यूज करना हो तो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, ये पावर पॉइंट को, ठीक है। अगर आपको PDF में चाहिए यानी कि मतलब खुल जाए आपका फोन में भी, तो इसके लिए आपको क्रिएट एक्स मतलब PDF में क्रिएट करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है, सॉरी एक्सपोर्ट करना पड़ता है PDF में। अब जैसे प्रिंट यहाँ पे पब्लिश कर देगा तो जहाँ पे भी आपका ये होगा वहाँ से ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, और इसके बाद ये आपका डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ये मेरा एक सॉफ्टवेयर में खुल रहा है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप लोकेशन सेट कर देना कहाँ पे इसे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। देखो यहाँ पे आया, ये लोकेशन सेट करने के लिए दे रहा है ना, देखो लोकेशन सेट करने के लिए दे रहा है, तो हम डेस्कटॉप पे करके आपको हम दिखाते हैं, पब्लिश कर देते हैं। ये हमारा कहाँ पे होगा, डेस्कटॉप पे। मैं इसे क्लोज करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ, देखो डेस्कटॉप पे PDF का नाम से आ गया, पावर पॉइंट नोट्स .PDF, तो समझ में आ चुकी होगी आपको। अब इसको ओपन करोगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे तो ये एक सॉफ्टवेयर में हमारा ओपन होता है, बट कोई बात नहीं, इसको हम ओपन करेंगे ओपन विथ ब्राउजर पे, ठीक है। तो देखो ये ब्राउजर पे आपका खुल गया, देख रहे हो, और ये बिना एडिटेबल नहीं होता है, ठीक है, PDF, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है हमारे पास एक्सपोर्ट के बाद क्लोज। जैसे मान के चलो क्लोज का मतलब ये मत समझ लेना कि सॉफ्टवेयर क्लोज होगा, नहीं, क्लोज का मतलब होता है ये जो आपका प्रेजेंटेशन खुला हुआ है ना, इसका फाइल, ये फाइल का नाम क्या है, पावर पॉइंट नोट्स .pptx, ठीक है, तो इसे सिर्फ बंद करेगा। देखो जैसे क्लोज करोगे तो ये सिर्फ बंद होगा, आपका सॉफ्टवेयर ओपन रहेगा, इसके बाद अब फिर से आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। फिर से देखो आप क्लोज का ऑप्शन गायब हो गया, क्यों, क्योंकि आपका ये ब्लैंक सॉफ्टवेयर खुला, ठीक है। अब इसके बाद आप न्यू पे क्लिक कर सकते हो तो न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन खुल जाता है। देखो अगर ओपन करना चाहते हो तो ओपन करके आप ओपन कर सकते हो अपना जो प्रेजेंटेशन था, उस चीज को आप जहां पे भी रखे हो वहां से आप ओपन कर सकते हो। जैसे मैं दिने इसके अंदर रखा हूँ, ये इसके अंदर, तो मैं यहाँ से ऐसे ओपन कर लूंगा, ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरा वाला था। अब इसके बाद क्या है, अब देखो ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया। मोड पे आते हैं तो अकाउंट पे जाते हैं, तो यहाँ पे यहाँ से ही आपको अकाउंट को साइन इन करना होता है, ठीक है, जीमेल से लॉग इन करना होता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ले जाएगा आपको, रिडायरेक्ट करेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मतलब साइन इन माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल साइट पे, ठीक है, और यहाँ से आप ऑफिशियल साइट पे नहीं ले जा रहे, यहाँ पे जीमेल या फोन नंबर आपसे पूछता है, या नहीं अकाउंट नहीं है तो क्रिएट नाउ, क्रिएट वन अकाउंट, ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करके आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हो, जैसे फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करते हो सेम ऐसा ही, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफिस ऑफिस थीम, अब इसको किस में करना चाहते हो, ब्लैक में करना चाहते हो पूरा, या ब्लैक में, या व्हाइट में, या ये क्या होता है, सिस्टम यूज सिस्टम सेटिंग के अकॉर्डिंगली लेगा। जैसे हमने सिस्टम को ब्लैक एंड व्हाइट किया, ब्लैक ब्लैक में किया है तो ब्लैक थीम लिया है तो ब्लैक में दिखाएगा, ठीक है, सिस्टम वाइज कलरफुल लोगे तो कलरफुल दिखाएगा, डार्क ग्रे हमको अच्छा लगता है इसी कारण हम डार्क ग्रे ले रहे हैं, ठीक है। और मैनेज सेटिंग भी कर सकते हो यहाँ से, बट इसका अभी यूज मत करना, अभी आपको इतना यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, मोड पे जाते हैं, अकाउंट का काम खत्म,
इसके बाद फीडबैक क्या है कि आप फीडबैक भेज सकते हो, अच्छा लगा सॉफ्टवेयर है, खराब लगा, और या कोई सजेशन हो तो नीचे आने से सजेशन भी दे सकते हो। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ऑप्शन के ऊपर आते हैं। तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे भी ये सब बहुत सारा एडवांस ऑप्शन है, जो कि एक इसका प्रॉपर वीडियो बना के हम डालेंगे, उसको देख लीजिएगा। समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एक छोटा 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 सा सॉरी छोटा सा ही पॉइंट मैं बता देता हूँ, ठीक है। लैंग्वेज पे जाता हूँ और यहाँ पे हिंदी को सेलेक्ट करता हूँ और अपर कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, पूरा सॉफ्टवेयर हिंदी में हो जाएगा। जैसे हम ओके करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे, अब इस सॉफ्टवेयर को क्लोज करेंगे, इसको भी हम क्लोज करेंगे और फिर से पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। पावर पॉइंट यहाँ पे लिखना पड़ता है, पावर पॉइंट नहीं लिखिएगा, पावर पॉइंट TNT, ठीक है। ये स्पेलिंग को याद कर लीजिएगा, देख सकते हो ये हिंदी में आपका पूरा सॉफ्टवेयर हो चुका है। तो जिनको इंग्लिश नहीं आता, हिंदी में भी ये सॉफ्टवेयर को सीख लेंगे, ठीक है। अब इसको चेंज करना हो तो अधिक में जाओ, विकल्प पे जाओ और उसके बाद भाषा पे चलो। भाषा मतलब क्या होता है, लैंग्वेज होता है। तो आई बात समझ में, अब इंग्लिश को ऊपर की तरफ कर लो। अब उसके बाद क्या करोगे, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तरह ले लो, नहीं ये ले लो, ये सही रहेगा, ठीक है। और ठीक है कर दो, ठीक है। अब इसे क्लोज करो, विंडो प्लस आर प्रेस करो, पावर पॉइंट लिखो, एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इंग्लिश में हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे हमको लग रहा है कि पूरा ऑप्शन कर लिया, जो ऑप्शन नहीं किए हम लोग, ये सब कस्टमाइजेशन जो शुरू में वीडियो में बताए हैं, तो कस्टमाइजेशन भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन उसका लास्ट में एक वीडियो बन के आएगा, उससे आप देख लेना, पूरे तरीके से आपका खत्म हो जाएगा पावर पॉइंट लास्ट में, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।